यदि आप किसी विद्यालय के प्रबंधक हैं और आपको विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए कहा जाए तो आप एक शिक्षक में क्या योग्यता चाहेंगे? स्वाभाविक है आप कहेंगे कि उसे मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उसमें मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए, उसमें संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए, उसे धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए शिक्षक को चुनते समय आप उसमें ये सभी गुण खोजेंगे, लेकिन जब आप उसका बायोडाटा देखेंगे तो आपकी पहली दृष्टि उसकी शैक्षणिक योग्यता पर ठहर जाती है। आप उसे ही प्राथमिकता देने लगते हैं जो सदा अव्वल आया हो। यदि मैं आपसे कहूँ कि कक्षा में पिछली बेंच में बैठने वाला बच्चा भी एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, यह सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप चौंक जाएंगे। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। परीक्षा में अच्छे अंक लाना ही एक अच्छे शिक्षक होने की योग्यता नहीं है। उसको विद्यार्थियों में विशिष्ट गुणों को देख पाना और उसे उस दिशा में प्रेरित करना, विद्यार्थी के साथ मित्रवत व्यवहार करना, उनकी समस्याओं को धैर्यतापूर्वक सुनना, उनका हल निकालने के लिए प्रयास करना, एक अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए। शिक्षक भी अंततः एक व्यक्ति ही तो है। एक बैक बेंचर बच्चा भी भविष्य में एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, क्योंकि वह कक्षा के सभी विद्यार्थी, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, सामान्य हों या पिछड़े हों, समान रूप से उनको जानता है, परखता है और उनकी समस्याओं का और व्यवहार का आकलन कर पाता है, उसकी मानसिक स्थिति को ठीक ठीक समझ पाता है। इसलिए शिक्षक का अव्वल आना ही एक अच्छा गुण नहीं। हाँ, शिक्षक को प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन उसे बच्चों को समझना और उनकी मानसिक योग्यताओं को समझकर उसे सही दिशा के लिए प्रेरित करना सबसे पहले आना चाहिए। धन्यवाद।